मेरे साथ फिर से ही हुआ। एक तरीके से ये ब्लॉग मतलब हाँ ये समझ लें ये वीडियो है एक तरीके से, और ये एक और दफ़ा मेरे साथ फिर से ही हुआ। क्या हुआ आप लोग ने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि अब दोबारा से यही होगा कि मैं ब्लॉगिंग जो है छोड़ रहा हूँ। अब तो आप लोग बोल रहे हैं ना आप पेपर हैं ना आपके स्कूल हैं ना आपको कोचिंग वाली साथ में आपको बता ही था आप खुद ही कह रहे थे करने वाला महीना है अब आप जो है नहीं छोड़ेंगे मतलब ब्लॉगिंग। तो सीन ऐसा हुआ है पिछले कुछ दिनों से मतलब चार दिन देखे फिर से व्यू जो है कम आ गया लेकिन मुझे हिम्मत नहीं आने चाहिए इस चीज़ पर। लेकिन क्या करूँ मुझे जो है टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता क्योंकि अब सुबह जब मैं उठता हूँ तो उतना मेरी स्किन जो है बिल्कुल भी सेट नहीं है। मैं रात में देर से सोता हूँ हर दिन देर में एक सौ होती है और फुटबॉल शाम में मुझे लाजमी खेलने जाना पड़ता है क्योंकि एक्टिव रहने के लिए हमें जाना पड़ता है क्योंकि पूरे दिन मैं घर में ही बैठा रहता हूँ। ये बात सच है कि मैं घर का जो है कुछ काम वाम नहीं करता बड़ी मुश्किल से करता हूँ। तो एक चीज़ है जो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए मैं हमेशा करता हूँ वो चाहता हूँ फुटबॉल खेलने या तो कोई भी गेम खेल लेता हूँ क्रिकेट खेलता हूँ। तो आज तो फिलहाल इंजर्ड हूँ मैं पूरी तरीके से फुटबॉल में आज तो मुझे सही बारी लगी तो पैर में तो अब से जो है मैं मतलब एक हफ्ते तक घर में रहूँगा फुटबॉल रेस्ट करूँगा मैं और व्लॉगिंग उस दौरान भी नहीं होगी। ये आज जो है आखिरी वीडियो है मेरी मतलब आखिरी ब्लॉग है। अब जो है ट्रैवलिंग ब्लॉग या कहीं मैं जा रहा हूँ मंदी हो गई मतलब ये सीन है। अब जो पिछली बार मैंने क्या किया था हफ्ते में एक बार ब्लॉग आया था अब इस बार जो है महीने में एक बार आ सकते हैं दो बार आ सकते हैं आई डोंट नो कि कितने मतलब जो है दिन ब्लॉग आए नहीं आएंगे। और अगर ऐसा सीन हुआ कि मैंने अभी देखे क्या नाम है पिछले कुछ दिनों में मैंने बोला था कि मैं अगर मेरे पास ये वाले ब्लॉग में अगर 300 व्यूज आ गए तो मैं ब्लॉगिंग करूँगा। अब खुद कह रहा हूँ कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा ब्लॉगिंग क्योंकि डेली ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही रूटीन जो है बिल्कुल आउट हुई है रूटीन में अपने आप सही नहीं कर पा रहे जैसे कि मैं रूटीन से नहीं कर रहा हूँ जैसे कि मैं डिजिटल ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा और कॉन्फिडेंस का मुझे मेरा डाउन हो चुका है बिल्कुल तरीके से। घर में भी ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा और शोर इतना होता है कि मैं घर में भी नहीं कर पाता अभी मैं छत पर ही आके ब्लॉगिंग कर रहा क्योंकि छत पर कोई भी नहीं आता कोई भी ही मतलब जो होता है ना कोई भी नहीं आता है सब पीछे ही है इस टाइम कोई भी नहीं आता इस वजह से मैं ऊपर आके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो फिलहाल कल कबीर की गाय आई थी तो उस वक्त भी मैं नहीं गया क्योंकि कबीर ने एंड टाइम पे कॉल की थी उस टाइम पे मैं जा चुका था उस वक्त उतर रही थी। तो वही गाय हैं जिसमें मैंने बोला था कि गायें जो हैं कबीर का सौदा नहीं हुआ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सौदा डन हो चुका था। वो क्या सीन हुआ मुझे उस सीन का कुछ भी नहीं पता लेकिन जब कबीर आएगा उसी से हम पता करेंगे। तो बस कहने का मतलब यही है अब से ब्लॉगिंग नहीं करूँगा। तो शोर की आवाज़ आ रही थी इस वजह से मैं रुक गया तो अब से जो है मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगा दिस इज़ माय लास्ट व्लॉग। तो डेली ब्लॉगिंग अब ख़त्म हो चुकी है फुल तरीके से क्योंकि मुझे अब ध्यान देना है पाक वाइज मतलब पाक पांच वाला जो चैनल है उस पर भी ध्यान देना है और शे वाले चैनल में भी देना है और तीसरा चैनल है तीन टोटल चैनल बनाए वो तीनों मेरे अंडर पे हैं। अब मुझे तीनों चैनल पे ध्यान लाजमी देना पड़ेगा ताकि मतलब जो है कामयाब हो सकूँ। अब मैं अगर इस पर ध्यान देते रहूँगा तो फिर मैं पाक पांच पर कब जाऊँगा होता है ना अभी। अब सारे आप डेली ब्लॉगर को देख लें एक एक चीज़ उन्होंने छोड़ी हुई है या तो डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं या तो गेमिंग कर रहे हैं या तो मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डेली ब्लॉगिंग तो मैं कर रहा हूँ अब मैं वीडियो नहीं बना पा रहा
मतलब वीडियो में बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं आ पा रहा, इस वजह से एक तो ये रीज़न है और दूसरा रीज़न ये आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, व्यूज़ जो है मेरे बिल्कुल डाउन चल रहे हैं, व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। और ये फाइनल मेरा जो है ये बिल्कुल मतलब समझ ले फाइनल है डिसीजन कि ये आखिरी ही ब्लॉग होगा मेरा। अब ट्रैवलिंग ब्लॉग अगर मैं कहीं चले गया तो दिल का हाँ कि ब्लॉग बनाऊँ तो मैं ब्लॉग बनाऊँगा, और अगर दिल नहीं कहा तो फिर नहीं बनाऊँगा और क्या कर सकता हूँ। तो फुल टोटली आप लोग समझ लीजिए कि ये मेरा फाइनल जो है डिसीजन है, अभी बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, अब असल में ध्यान दूँगा अपने भगवान चैनल पर। और ये वाले चैनल पे अगर मैंने महीने में एक बार वीडियो डाल दी तो डाल दी, मगर हाँ 80 से ऊपर इस मतलब ब्लॉग में एक तरीके से वीडियो समझ लें, ब्लॉग तो मैं आज नहीं बना पाया, तो इस वीडियो में 80 से ऊपर व्यूज़ आएगा और 40 से ऊपर लाइक्स आ गए, वैसे तो नामुमकिन है कि ऐसा हो, मुझे पता ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन अगर आ गए ऐसा मुमकिन कर दिया आप लोगों ने तो फिर मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं छोड़ूँगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैंने इरादा अपना बदल लिया है यार, देखें अब मेरा दिल तो नहीं है कि मैं डेली ब्लॉगिंग छोड़ूं, भले आप लोग सपोर्ट करें या ना करें मुझे हिम्मत नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो है अब मैंने आपको रीज़न बताया कि शोर वोर होता है, कॉन्फिडेंस डाउन चल रहा है मेरा नीचे, मतलब घर में मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा, अब बाहर जो है बाहर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा, बाहर थोड़ा बहुत मसला है इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा, बाहर जो है अब लोग ऐसे देखते हैं कि बंदा जो है ना नर्वस हो जाता है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो वहाँ से लोग कह रहे थे ये देख फिर कैमरा लेकर आ गया, लेकिन इस चीज़ को मुझे इग्नोर करना चाहिए, एक ब्लॉगर को इसी तरह करना चाहिए इग्नोर, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अभी जब मैं कोशिश करता हूँ बाहर जाके मैं ब्लॉगिंग करूँ, बिल्कुल कोशिश करता हूँ, अब लोग ऐसे देख रहे होते हैं मुझे अजीब सा लगता है, और दूसरे लोग भी यही कह रहे होते हैं कि भाई ये देखो फिर से आगे कैमरा लेकर, तो इस वजह से मैं बाहर भी ब्लॉगिंग बहुत ही मुश्किल से कर पा रहा हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, दिस इज़ माय लास्ट ब्लॉग, एंड हाँ जब भी ब्लॉग आएगा एक दिन आपको पता चल जाएगा, एक दिन पहले ही आपको ब्लॉग का मैं बता दूँगा कि कल ब्लॉग आ रहा है, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, लेकिन बस अल्लाह हाफिज़। तो जब तक कि ब्लॉगिंग मतलब जब तक कि ब्लॉगिंग अब नहीं आएगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्दी अगली आने वाले वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। इट्स वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग, आज जुम्मा है तो सबसे पहले सबको जुम्मा मुबारक। तो फिलहाल अभी का सीन ऐसा है कि मैं जाऊंगा जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, और टाइम जो होगा अभी तकरीबन ढाई, आप लोग बोलेंगे हैं ढाई, तो सीन ये हुआ कि कल रात जो है लाइट चली गई, नींद भी नहीं आई सही, फजर के बाद ही मैं सो गया, और फिर अब जाके मोटा हूँ आपको पता भी चल रहा होगा, तो रात में मैं तकरीबन दो चार बजे बजे तक मैं उठ गया, दो बजे मैं उठ गया था, तो फिर नहाने गया, फिर आपसे मुलाकात करी, आप हम जुम्मा की नमाज़ पढ़ा दें 3 बजे तक के, तो वो पढ़कर आगे उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान है क्या करते हैं हम। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, वेलकम बैक टू दी ब्लॉग। ऐसा है कि मैं जाऊँगा फुटबॉल खेलने, तो फिलहाल आज ब्लॉग नहीं बन पाएगा, और कुछ हफ्ते के लिए मतलब जो है कुछ हफ्ते तो नहीं, एक तो दिन ब्लॉग नहीं आएंगे कल और परसों, तो रीज़न ये है कि कोई व्यूज़ नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अगर आज के ब्लॉग में 30 से ऊपर व्यूज़ आ गए तो फिर मैं कल ब्लॉग बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बनाऊंगा, 2 दिन के बाद फिर बनाऊंगा, और टाइम भी चेंज होंगे, टाइम भी मैं आपको बता दूँगा, तो आज समझ रहे ये मेरा आखिरी ब्लॉग होगा, उसके बाद 2 दिन बाद इंशाल्लाह ब्लॉग आएगा, अगर 30 ब्लॉग बोल रहा हूँ, अगर 30 से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो फिर मैं जो है फिर कल अपलोड करूँगा, तो ये आपको 24 आर्ट्स में जो है करना ही है, आपको बनाऊँगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनाऊँगा,
लेकिन अगर नहीं आया तो फिर मैं 2 दिन बाद ही वो लोग डालूँगा। अभी बाहर झाड़ू लगा रही है, वो गोबर साफ करता मजाक कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो बेल्ट? हाँ क्या कर रहे थे बेल्चे के साथ? अब कल तो खून निकल रहा था इसके नाक से। अब देखते ओके ओके